Hey guys, welcome to today's episode of Mad Booster with Career Planner. आज हम लोग allegation part 2 पे बात करने वाले हैं। हमारा जो पूरा 36 घंटे का प्रोग्राम था उसका जो अगला वीडियो अभी ये स्टार्ट होने वाला है। अब इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर allegation के कुछ पार्ट को करेंगे, उसके बाद हमारा एक और वीडियो इसी allegation mixture पे आएगा। allegation mixture को टोटल हमने तीन पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? A milkman mixed some water with milk to gain 25% selling mixture at cost price. The ratio of milk and water is, बेटा that is so simple. हुआ है क्या कि एक आदमी चाहता है कि वो अपने मिल्क को भाई वो बेचे कॉस्टिंग पे और उसको स्टिल जो गेन हो वो 25% का। एक बात बताइए, अगर कोई दुकानदार, अगर कोई ट्रेडर चाहेगा कि उसका चावल बिके सीपी पे और उसको स्टिल फायदा हो तो वो बेटा कम तौलेगा। लेकिन अगर कोई मिल्कमैन ये चाहता है कि भाई अगर उसको कॉस्टिंग पे बेचे और उसको 25% का फायदा हो, स्टिल 25% का फायदा हो, तो बेटा यहाँ पे बात यहाँ ये आती है कि वो ये सोचेगा कि उसमें अब वाटर मिलाना है। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहना है। बेटा यहाँ पे सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है कि आपको आपको मिलाना है क्या मिल्क और वाटर को। बेटा 25% का ठीक मतलब होता है क्या 1/4। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि 1/4 का किसी को प्रॉफिट हुआ है, गेन 1/4 का मतलब 1/4। अगर किसी को भी 1/4 का प्रॉफिट हुआ है तो बेटा 4 अगर सीपी होगा तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 1। वी कैन इजिली से, सवाल को थोड़ा आराम से सुनिएगा मैंने क्या कहना है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है, सवाल कैसा भी हो कुछ भी कह रहा हो, अगर सवाल में आपको ये मिल जाए कभी भी कि अगर सीपी पे बेचा तो 25% का फायदा, अगर ये आपको सीन मिलता है तो बेटा करना क्या, 25% का मतलब 1/4, 25% का फायदे का मतलब ये 1/4, 25% का मतलब होता है 1/100। अगर आपसे कोई कह रहा है कि किसी को 1/4 का फायदा हुआ है, यानी 4 अगर सीपी होगा तो फायदा कितने का 1 का। अगर कोई कहता है कि 2/9 का फायदा हुआ है, यानी 9 अगर सीपी होगा तो फायदा कितने का 2 का। अगर कोई ये कहता है कि किसी को 3/11 का फायदा हुआ है तो यानी 11 अगर सीपी होगा तो फायदा कितने का 3 का। तो मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे ये कहना है कि 1 का फायदा हुआ है कितने में 4 में। अगर आप किसी भी तरीके के मिल्क में अगर आप पानी मिला दोगे और उसको बेचोगे तो बेटा यहाँ पे सीन ये क्रिएट होगा कि मिल्क की शक्ल जो है वो वाटर से मिलेगी और मिल्क जो है वो वाटर की शक्ल में बिखेरना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बात सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 लीटर मिल्क में मैं 1 लीटर वाटर मिला दूं, अगर मैं 2 लीटर मिल्क में 1 लीटर वाटर अगर मिला दूंगा तो मेरी एक बात को समझिएगा। अगर आप मेरी दुकान पे आए, मेरी दुकान पे मान लो आलिया भट्ट खुद आई और आलिया भट्ट ने 3 लीटर का मिल्क खरीदा है, मतलब 3 लीटर का एक्चुअल में मिक्सचर खरीदा है, तो हमने उनसे अगर कॉस्टिंग ही लिया तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 3 लीटर का भाव चुकाना है। और आपको ये पता होना चाहिए अगर ये 3 लीटर का भाव चुकाएंगे इसका ठीक मतलब क्या आता है, इसका ठीक मतलब ये है कि इन्हें 3 लीटर का पैसा देना पड़ेगा जिसमें से 1 लीटर तो वाटर ही, ये जो पैसा देंगे वो 3 लीटर का। लेकिन हमारा दिल जानता है कि इसमें 2 ही लीटर दूध है, यानी 1 लीटर का जो वो पैसा देंगे वो पूरा का पूरा हमें फायदा हो जाएगा। आप खुद सोचो, आप हमें 3 लीटर का पैसा दो और उसके बदले में हम आपको 2 लीटर दें, यानी 1 लीटर का तो फायदा ही होगा, लेकिन आपको वो नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये है क्या बेटा, ये 1 लीटर वाटर है और 1 लीटर वाटर जो है आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो वाटर ही। अब एक बात और, अगर इसमें कुछ कॉस्टिंग लगा होता तो बात हम कुछ करते, लेकिन वाटर में कोई कॉस्टिंग नहीं लगता है, वाटर जो बिकता है वो 0 रुपी पर लीटर, यानी वी कैन इजिली से यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट होगा वो वाटर का और जो कॉस्टिंग लगेगा वो मिल्क का, यानी हम कहेंगे कि जो सीपी होता है वो मिल्क का होता है लेकिन वही जो प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, वाटर का। यानी हमारा जो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो आएगा वो क्या आएगा 4:1। कभी सवाल में मान लो यहाँ पे दिया रहे कि कोई 20% का प्रॉफिट हो,
कभी सवाल में अगर ये आपको गिवन हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बेटा 20% का हो, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 अगर सीपी होगा तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। और जो सीपी होता है वही मिल, और बाकी क्या हो जाएगा आपका? वाटर। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अगर आपसे ये कहा कि भाई अ मिक्सचर, यहाँ पे कुछ अगर आपको क्वांटिटी दे दे, अ मैन वॉन्ट्स टू सेल हिज मिल्क एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, बट हाउ फाइंड आउट व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मिक्स इन 16 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। होता है क्या कि एक बंदा जो चाहता है वो किसी अपने मिक्सचर को बेचना चाहता है या अपने मिल्क को बेचना चाहता है 25% के प्रॉफिट पे, और आपसे ये कहा जा रहा है कि कितना वाटर मिलाया जाए 16 लीटर मिल्क में। तो आपको पता है कि अगर वो 25% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, यानी ऑब्वियस सी बात है 4 मिल्क और 1 रखेगा क्या? वाटर। अब आप खुद समझो, जहां तक बात आती है आपसे बोला जाए कितना वाटर मिलाया जाए, तो मिलाना क्या है? वाटर, और है क्या दिया हुआ? मिल्क। अगर मिल्क प्योर 16 लीटर है तो 4 बराबर 16, तो 1 बराबर 4, यानी ऑब्वियस सी बात है मिल्क तो मिलाना है एक ही, यानी 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। अब मेरी बातों को थोड़ा सुनिएगा गौर से। तो बेटा हमारे पास जो अगला सवाल है वो क्या है देखिएगा। द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 30 रुपी पर लीटर। अ मैन इज सोल्ड द मिक्सचर एट 25 रुपी पर लीटर एंड 25% प्रॉफिट एंड ही स्टिल गेट, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, यह होना चाहिए एंड स्टिल गेट, एंड स्टिल गेट 25% प्रॉफिट। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखिए बेटा यहाँ पे हुआ है क्या कि किसी भी मिल्क को जो 30 रुपए पर लीटर बिक रहा है उसको 25 रुपए पर लीटर में बेचा, फिर भी इसको 25% का फायदा हो रहा है, और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए यहाँ पे क्या रेशियो होगा मिल्क और वाटर का। देखो बेटा ऐसा यहाँ पे साफ साफ सीन बना है कि मिल्क और वाटर को मिला के एक मिक्सचर बनाना है। जब भी कभी मिल्क और वाटर को मिला के एक मिक्सचर बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को मिला के एक सिंगल क्वांटिटी बन रही है। अगर कभी भी इन दोनों को मिला के एक बेटा सिंगल क्वांटिटी बनेगी तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एलिगेशन। अब देखो कैसे लगाएंगे। जहां तक बात है एलिगेशन का मतलब पार्ट 1, तो हमने किसको मिलाया है? हमने मिलाया है मिल्क को, और किसको? वाटर को। अब जिसको भी मिला रहे हैं उन दोनों को रखिए, आपने मिल्क और वाटर को मिलाया है तो मिल्क बिक रहा है 30 रुपी पर लीटर, वाटर कैसे बिकता है? 0 रुपी पर लीटर। अब एक बात बताओ, हमारा मिल्क का कॉस्टिंग 30 है, हमारे वाटर का कॉस्टिंग कितना है? 0 है। लेकिन आपसे ये कहा गया कि भाई 25 में बेचा और 25% का फायदा। मैं आपको बेसिक की एक चीज याद दिला दूं कि जब भी कभी हम बेटा एलिगेशन लगाते हैं तो लगाते हैं सीपी में, यहां सीपी, तो यहां भी क्या रहेगा? सीपी ही रहेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहा गया है कि उस बंदे ने 25 रुपए पर लीटर इसमें मिक्सचर को बेचा है, और वो खुद जो लाभ कमाता है वो 25% का। तो बेटा अगर यहाँ पे आप भूल से आप सोचोगे क्या कि 30 रुपए पर लीटर मिक्सचर बिक रहा है, 0 रुपए पर लीटर मिक्सचर बिक रहा है, और इन दोनों को हम मिला के 25 रुपया कॉस्टिंग कर दे, तो गलत बात, क्योंकि आपका ये 25 रुपया कॉस्टिंग नहीं है, 25 रुपया सेलिंग प्राइस है। हम किसी भी हाल में पता है कि अगर यहाँ सीपी और यहाँ सीपी, तो बेटा यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? सीपी ही रखना पड़ेगा। अब मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब आप खुद समझो, अब कॉस्ट प्राइस जो मिल्क का है वो कितना है? 30 रुपए पर लीटर। अब इसमें कहा गया है क्या, इसको 25 रुपए पर लीटर में बेचा है, लेकिन जो बंदे को फायदा हुआ है वो 25% का। अब 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर उस मिक्सचर का सीपी 4 होगा तो उसे 1 के प्रॉफिट, यानी कितने पे बेचा जाएगा? 5 पे। आपको देखना पड़ेगा कि 25% फिर से आया, उसका मतलब फिर 1/4, और 1/4 में अगर 1/4 में अगर 4 आपका सीपी होगा तो 1 क्या होना पड़ेगा? प्रॉफिट, यानी खरीदा 4 पे तो बेचेंगे कितने में? 5 में। आपकी नजर में जो सेलिंग प्राइस है वो 5 है, हमारी नजर में सेलिंग प्राइस 5 है, लेकिन सवाल ने कहा है कि मिक्सर को 25 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी आप कहेंगे
कि जो हमारी नजर में सेलिंग प्राइस 5 है उसको सवाल ने 25 कहा है। अगर 5 बराबर 25 है तो भाई 1 बराबर 25 बटा 5 यानी 5 रुपया, और आपको निकालना है सीपी मिल का, तो 4 बराबर बेटा होगा 4 गुना 5 यानी 20 रुपया। यानी आपको करना क्या है वो सुनिए, हमें किसी भी तरीके से मिल्क और वाटर को मिलाना है। मिल्क जो कि बिक रहा है 30 रुपए पर लीटर, वाटर जो कि बिक रहा है 0 रुपए पर लीटर, इसको इस तरीके से मिलाना है कि इस मिक्सचर का जो कॉस्टिंग है वो 20 रुपया हो जाए। अगर मिल्क और वाटर को मिलाया और इनका कॉस्टिंग अगर हमारा 20 रुपया पड़ा, तो बेटा सच में हम 25 रुपए में बेचेंगे और हमको 25% का फायदा होगा। तो ये 30 रुपए पर लीटर, ये 0 रुपए पर लीटर, और यहाँ जो बीच का मिक्सचर का कॉस्टिंग है वो क्या होगा, 20। अब देखिए एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाएंगे 30 माइनस 20 यानी क्या हो जाएगा, ये 10। अब देखो यहां पे 20 माइनस 0 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। अब ये होता है रेशियो में, इस 0 से 0 को काटो यानी क्या, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1। यानी मिल्क अगर 2 यूनिट तो वाटर कितना यूनिट होना पड़ेगा, 1 यूनिट। हमें एक चीज देखना था क्या, कि भाई हमें मिल्क और वाटर को मिला के इस तरीके से रखना है कि 25 रुपए में बेचे और 25% का फायदा। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आपको फायदा 1/4 का है यानी खरीदा 4 में तो बेचेंगे कितने में, 5 में। अब आपकी नजर में मिक्सचर 5 में बिकेगा, लेकिन 5 में नहीं वो 25 में बिक रहा है। अगर मिक्सचर 25 में बिक रहा है और 25% का फायदा हो रहा है, तो उस मिक्सचर का जो कॉस्टिंग होना चाहिए, लागत होना चाहिए बेटा 20 होना चाहिए। अगर उस मिक्सचर का लागत 20 होना चाहिए तो 30 0 और बीच में 20 यानी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 का। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा बेटा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो ये बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। निशांत कुमार शाह परचेज 2 टाइप ऑफ राइस, फर्स्ट एट द रेट 30 रुपी पर केजी, सेकेंड एट द रेट 20 रुपी पर केजी। लिखा हुआ है क्या, आउट ऑफ द रेशियो फर्स्ट टू सेकेंड, इफ यू वॉन्ट्स टू फर्स्ट टू सेकेंड, इफ यू वॉन्ट्स टू सेल राइस 28 रुपी पर केजी एंड स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 16/3%। तो देखो पहला राइस जो हमें 30 रुपए पर केजी, दूसरा राइस है 20 रुपए पर केजी, इसको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि इसे 28 में बेचने पे 16.2/3% का फायदा हो। अभी हम इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको नहीं जाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। आप यहाँ पहले बनाना सीखिए। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ सीपी है, यहाँ सीपी है, तो यहाँ भी सीपी होगा। निशांत कुमार शाह ने 2 खरीदा है, ऑब्वियस सी बात है, इसको खरीदा तो 30 रुपए पर केजी पेट किया, इसको खरीदा तो 20 रुपए पर केजी पेट किया, यानी ये दोनों हमारा कॉस्टिंग है, तो यहाँ भी कॉस्टिंग ही रहेगा। एक बात बताओ, 28 रुपए पर केजी पे निशांत कुमार शाह सेल कर रहा है, ये तो सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बीच में कैसे आएगा, विराट कोहली अनुष्का शर्मा के बीच में महेंद्र सिंह धोनी कैसे आएंगे, तो बेटा ये तो होना ही नहीं है। तो हमें पहले इस 28 से जाना पड़ेगा सीपी पे। तो सीपी निकालेंगे कैसे, यहाँ फायदा 16/3 का है। 16/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ऑब्वियस ही बात है, जो हमारे बच्चों उन सभी को पता होता है 1/6। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं है, उनको मैं एक बार थोड़ा बता दूं कि बेटा ये 16/3, 16 गुना 3 48, 48+2 50, यानी कुछ और नहीं है 50/3, और 50/3% है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 00 आएगा यानी हो जाएगा 1/6। यानी अगर फायदा 1/6 का है, यानी बेटा खरीदा अगर 6 में तो बेचेंगे 1 के फायदा यानी कितने पे, 7 पे। ये आपकी नजर में ये 7 में बिक रहा है, हमारी नजर में 7 में बिक रहा है, लेकिन सवाल ने इसको बोला है क्या, 28। तो बेटा 7 बराबर क्या है, 28।
एक बराबर 28/7 यानी 4 और 6 बराबर 6 × 4 यानी 24। यानी हम कहेंगे क्या कि 30 रुपए पर केजी वाला चावल 20 रुपए पर केजी वाले चावल को इस तरीके से मिलाना है उसका सीपी हो जाए 24 रुपए पर केजी, ताकि इन दोनों को, इस मिक्सचर को हम बेचे 28 पे और 16.2/3% का फायदा हो। तो बेट देखो बेटा, एक 28 20 रुपए पर केजी वाला चावल, एक 20 रुपए पर केजी वाला चावल, इन दोनों को मिलाया और कॉस्टिंग कर दिया 28, सॉरी इन दोनों को मिलाया और कॉस्टिंग कर दिया 24। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हमको कॉस्टिंग अगर 24 होगा तब जाके 28 पे बेचने पे हमें 16.2/3% का फायदा होगा। तो इन दोनों चावल को इस तरीके से मिलाया कि कॉस्टिंग 24 हो गया जी। तो अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 30 माइनस 24 यानी 6, 24 माइनस 20 यानी 4, यहाँ जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा बेटा 2:3 का। 4 और 6 दोनों को अगर काटेंगे तो 2 2 ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। यानी पहला वाला क्वांटिटी 2 यूनिट, दूसरे वाले क्वांटिटी 3 यूनिट के साथ मिक्स करना है। अगर सवाल आपसे ये कहेगा कि भाई बेटा पहले वाले को हमने लिया है 8 केजी, बताओ दूसरे वाले को कितना ले, तो पहला वाला अगर 8 केजी तो आपकी नजर में पहला 2 तो दूसरा 3, तो यही 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4 तो 3 बराबर क्या होगा 12। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से बोला जाए सवाल बन जाए। अगर बोला जाए कि दूसरा वाला जो है 20 रुपए पर केजी वाला, उसको 27 केजी ले लिया, बताइए पहले वाले को कितना ले, तो बेटा दूसरा वाला जो 3 है, 3 बराबर 27, 1 बराबर 9 और 2 बराबर 18 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों से कोई फर्क इतना पड़ना नहीं है। अगर ये सीख गया तो आगे की भी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसको हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं। जहां तक बात आती है इसकी, अब एक छोटा सा हम लोगों ने 3 नए सवाल लेके आ गए। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने एक ही बार में डेटा सेट कर दिया है, ताकि एक बार में 3 प्रॉब्लम करके हमारे अंदर दिल में जितने दर्द हैं इस सवाल को लेके सब दूर हो सके। तो बेटा मेरी बातों को सुनिएगा, मैंने बहुत ही गौर से कुछ कहना है आपसे। मैंने पहले आपसे ये कहना है कि तीनों सवाल को समझते ही है क्या। देखो ए जो है वो पहला सवाल, बी दूसरा सवाल और सी तीसरा सवाल। पहला सवाल ए ये है कि भाई आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन है। पहला टाइप ऑफ का राइस 30%, 30 रुपये पर केजी। दूसरा टाइप ऑफ का राइस 20 रुपये पर केजी। तीसरा वाला राइस यहाँ नहीं है, इन दोनों को 7:3 में बनाना है। तो बताइए इसका सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा मिक्सचर का, अगर इसके 10% के प्रॉफिट पे सेल करना है तो। दूसरा वाला सवाल, इस मिक्सचर को 11/1 में 9% के प्रॉफिट पे बेचा गया। पहला वाला जो राइस है 40 रुपए पर केजी, दूसरा वाला 70 रुपए पर केजी, तीसरा नहीं है, रेशियो नहीं पता, सीपी भी नहीं पता, लेकिन एसपी पता है 60। तीसरा जो मिक्सचर है वो 10% के प्रॉफिट पे बेचना है। यहाँ एक नहीं अब 3 मिक्सचर है जिसको मिक्स करना है 3:2:1 में। इसका भी सीपी नहीं पता और इसके भी मिक्सचर का एसपी नहीं पता। तो पहले वाले सवाल पर उतरते हैं। पहला वाला सवाल ये कहा है कि भाई दो तरीके का मिक्सचर, एक 10 रुपए 30 रुपए 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी। अब इसको 7:3 में मिलाएंगे तो बताइए कि यहाँ पे क्या प्राइस होगा, इसके कॉस्टिंग क्या होगा इस मिक्सचर का। साथ ही साथ इस मिक्सचर का कॉस्टिंग तो आपको बताना ही, साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो बेटा यहाँ पे करना कुछ और नहीं है, बहुत सिंपल से वे में। यहाँ तो पहले मैं आपको डिटेल एक बता दू। डिटेल इसका ये कहता है कि 7 यूनिट पहला वाला, तो प्राइस ऐसा लगाएंगे 7 × 30। 3 यूनिट दूसरा वाला यानी पैसा लगाएंगे 3 × 20। अब देखो 7:3 का मतलब पहला वाला अगर 7 तो दूसरा वाला 3, तो यानी होगा पहले वाले में जो पैसा लगेगा 7 × 30, दूसरे वाले में जो पैसा लगेगा वो 3 × 20। और दोनों को मिला के अगर बेचेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों अगर मिल गया तो मिला है बना है कितना, 7 + 3 यानी 10। यानी हम समझेंगे कि पहला वाला 7 केजी लिया, अगर पहला वाला 7 केजी लेंगे तो पैसा लगेगा 7 × 30 रुपया,
दूसरा वाला अगर हम लेंगे 20, दूसरा वाला हम लेंगे 3 केजी, तो पैसा लगेगा 3 गुना 20 रुपया, और ओवरऑल जो पैसा हमारा लगा है वो कितना पैसा, जो ओवरऑल जो हमारा क्वांटिटी हो गया है कितना है, 7 और 3 10 केजी। तो भाई 7 केजी के लिए पेड किया 30, 7 गुना 30 यानी 210 रुपया, और हमने भाई 3 केजी के लिए पेड किया 3 गुना 20 यानी 60 रुपया। अब ये दोनों मिलाया मिक्सर, तब तो वो 10 केजी का हो गया। 10 केजी का वैल्यू ये है, तो 1 केजी का वैल्यू क्या होगा यानी डिवाइडेड बाई 10। आपका यहाँ पे बेटा जो सीपी निकला वो आप देख सकते हैं 21 प्लस 6 यानी जो सीपी आपका है वो कितना है, 27 रुपया। ये तो डिटेल मेथड हो गया जिसमें हमने सीपी कह दिया सीधे क्या 27, और इस 27 रुपया जो सीपी है इसको अगर 10% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर सीपी के 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, सीपी का 110%। देखिए सब चीजों में मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सीपी का 110% का मतलब 27 गुना 110 बटा 100, 0 से 0 कटा। किसी नंबर को 7 से 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले 7, 7 और 2 9, और लास्ट में क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 है यानी होगा 29.7। यानी आप कहेंगे कि जो पैसा हमें जिस प्राइस पे हमको सेल करना है वो 29.7 रुपया थे, यानी हमारा जो कॉस्टिंग आ गया इस सवाल के लिए वो 27, और जो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया है कितना, 29.7। अब चलिए ये तो पहले वाले में हमने डिटेल में देखा कि ये ऐसे बनता है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट वे भी है। ऑल्टरनेट वे कौन सा वो सुनिएगा। ऑल्टरनेट वे हमारे पास एक है एलिवेशन। देखो किसी भी तरीके से अगर हम सीपी निकाल लें तो सीपी का 110% निकाल के एसपी निकाल ही लोगे। अब देखो कैसे, एक जो वैल्यू है वो बिक रहा है 30 रुपए पर लीटर, 30 रुपए पर केजी, दूसरा बिक रहा है 20 रुपए पर केजी, और इन दोनों को मिलाना है 7:3। देखो बेटा अगर ये बीच का वैल्यू आपको निकालना है तो हमको पता है कुछ और नहीं करना होता है, इनको घटाना होता है और इनको घटा के यहाँ लिखना होता है। आप सिंपल सा करो क्या कि इस गैप को देखो, गैप कितने का है, ये गैप जो है वो 7:3 में डिवाइड है, 3 यूनिट इधर का गैप और 7 यूनिट इधर का गैप, तभी तो ये गैप इधर आता है और ये गैप इधर जाता है। मेन ये वैल्यू बीच में लाई करती है, घटा के लिखना पड़ता है। देखिए इसमें हम ज्यादा डिटेल में भी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको सिंपल से वे में ये बता दे कि कभी अगर आपको ये पता है कि पहला पता दूसरा पता और नीचे का रेशियो पता और बीच की वैल्यू गायब हो जाए, तो बेटा कुछ ऐसे अप्रोच करेंगे हम। ऐसे अप्रोच करने का मतलब कि पहले देखेंगे बीच के गैप को, गैप कितना है 10, इस गैप को डिवाइड करेंगे 7:3 में। तो चलिए हम देखेंगे कि इस गैप आया है 10 का, तो 7:3 का मतलब 10, ये 10 बराबर होगा क्या, 10 1 बराबर 1 तो 7 बराबर 7 और 3 बराबर 3 यानी ये वैल्यू 7 ही होगा और ये वैल्यू 3 नहीं होगा। अब देखो जहां तक बात है, अगर ये गैप 20 का रहता और 7:3 में डिवाइड करना होता तो हम कहते 7 और 3 10 होता है, 10 बराबर 20 तो 1 बराबर 2, और उसके बाद आगे हम कहते 7 बराबर 14 और 3 बराबर 6। लेकिन यहाँ पे बेटा गैप जो है वो 10 ही का है। अगर गैप यहाँ पे 10 का है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे निकल के आई है कि 10 बराबर 10 है तो 1 बराबर 1 ही होगा। अब ये वैल्यू जब आपने निकाल लेना है, जब इस गैप को 7:3 में डिवाइड कर देना है, तो करेंगे क्या कि ये ज्यादा है और ये कम है। एलिगेशन में कभी भी सीधा काम नहीं होता है, एलिगेशन में हमेशा तिरछा काम होता है। तो हम करेंगे क्या, या तो ज्यादा वाले में 3 घटा लेंगे या फिर कम वाले में 7 जोड़ देंगे। ज्यादा वाले में 3 घटाओगे तब भी कॉस्टिंग 27, कम वाले में अगर कम वाले में 7 जोड़ोगे तब भी कॉस्टिंग 27, लेकिन आपका कॉस्टिंग 27 नहीं होना चाहिए, सॉरी आपका सेलिंग प्राइस 27 नहीं होगा। आपका जो यहाँ सेलिंग प्राइस होगा वो स्टिल आपके कॉस्ट प्राइस का 110%, यानी क्या होगा 29.7 रुपी। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। जहां तक बात है हमने इसको डिटेल में देखा तो कुछ ऐसा गया, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे तब तो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ज्यादा दिमाग में अगर जल्दी क्रैक करना पहले वाले मेथड को भी, तो पहले को भी बना सकते हैं।
पहले वाले मेथड में आपने देख रहा होगा कि मैंने कम समय में उसको बना कर रख दिया था, और यहाँ पे हम लोग वर्क को गैप पहले डिवाइड करना पड़ता है तो फिर कुछ आगे काम करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली अब दोनों ही चीज को मैंने आपके सामने रखा है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करेंगे। अब आइए, अगर थोड़ा भी कहीं भी वीडियो में कुछ भी दिक्कत लगे आप तुरंत रिवर्स करिए, उसको फिर से देखिए। आइए अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में पहले हमने ए को कर लिया, अब ऐसा करते हैं कि सी को करते हैं। देखो सी को करने के लिए सबसे पहली बात कि जो पहले में हमने बेसिक फॉलो किया था वही इसमें करना पड़ेगा। यहां अगर एलिगेशन लगाएंगे तो बहुत बड़ा कच्चा खाएंगे। अब देखिए हमारे पास तीन तरीके का राइस, पहला जो बिक रहा है 30 रुपये पर केजी, दूसरा बिक रहा है 20 रुपये पर केजी, और तीसरा बिक रहा है 10 रुपये पर केजी। पहला वाला राइस हमने लिया 3 यूनिट, दूसरा वाला 2 यूनिट, और तीसरा वाला 1 यूनिट। तो भाई पहला वाला राइस जो बिक रहा है 30 रुपये पर केजी, तो उसको अगर हम 3 केजी लेंगे, अगर हम इसको पहले वाले को 3 लेंगे तो दूसरा वाला 2 लेना पड़ेगा और तीसरा वाला 1 लेना पड़ेगा। तो वी कैन इजीली से कि पहले वाले में 1 केजी का दाम 30 रुपया, तो 3 केजी का दाम 30 गुना 3। दूसरे वाले में 1 केजी का दाम 20 रुपया, तो 2 केजी का दाम 2 गुना 20, और तीसरे वाले में 1 केजी का दाम 10 रुपया, तो एक ही खरीदा यानी दाम लगेगा 10 रुपया। अब पहला वाला यूनिट खरीदा तो 90 रुपया खर्च किया, दूसरा वाला यूनिट खरीदा तो 40 रुपया खर्च किया, और तीसरा वाला यूनिट खरीदा तो 10 रुपया खर्च किया। अब एक चीज आप तो खुद समझ सकते हैं, अब यहां समझ सकते हैं क्या कि पहला वाला 3 केजी, दूसरा वाला 2 केजी, और तीसरा वाला 1 केजी। अल्टीमेटली अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 3 और 2 5 और 1 6 केजी राइस हमने खरीदा। तो भाई टोटल पैसा पेड किया हमने इतना और डिवाइडेड बाय 6, तो 90 प्लस 40 प्लस 10 यानी 140/6। अब दोनों को काटो ये हो जाएगा क्या 70/3, यानी जो हमारा कॉस्टिंग आएगा वो क्या आएगा 70/3 रुपया। लेकिन हम यहाँ पे सीमित नहीं रहने देंगे, हमें यहाँ तो सीपी निकाला, हमने यहाँ पे कॉस्टिंग निकाला जो कि आ गया है क्या 70/3। लेकिन हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी निकालना है, हमें वो सेलिंग प्राइस निकालना है जिसपे 10% का फायदा, यानी वो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा 70/3 का 110%। 0 से 0 और ये 0 से 0 कटा, यानी आपका आंसर होगा 77/3 रुपी। अगर हम यहाँ पे 20% के फायदा पे बेचते तो निकालते हैं यहाँ का 120%। ओके अब देखिए अगला वाला सवाल हमारा वही है जो हम लोगों ने पहले कर रखा है। दैट मीन्स क्या कि पहले का कॉस्टिंग दिया है, दूसरे का कॉस्टिंग दिया है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा वाला सवाल। अब देखिए दूसरे से वाले सवाल में हुआ क्या कि यहाँ जो प्रॉफिट है वही पहला वाले ही है, जैसे हम लोग पहले कर चुके थे कि भाई पहले का कॉस्टिंग दिया, दूसरे का कॉस्टिंग दिया, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और रेशियो पूछ रहा है। तो बेटा जब तक आप यहाँ पे पहले देखेंगे कि यहाँ जो एक मिक्सचर जो बिक रहा है 40 रुपये पर केजी वाला राइस और 70 रुपये पर केजी वाले राइस को इस तरीके से मिलाना है ताकि 60 रुपये पर केजी बेचे और 11 होल 1/9% का फायदा हो। 11 होल 1/9% का मतलब ही होता है 1/9, यानी खरीदा 9 में तो बेचेंगे 1 के प्रॉफिट यानी 10 पे। अब देखो आपकी नजर में सेलिंग प्राइस 10, 10 बराबर 7, तो 1 बराबर 6। दस बराबर सात तो 1 बराबर 6 और 9 बराबर 54। अब यहाँ पे बीच में आप रखेंगे 54 माइनस 40 यानी 14, फिर 70 माइनस 54 यानी 16। द रेशियो विल बी 8:7। दैट्स नॉट बेगुशी, आप तो पहले भी जानते थे, इसके ठीक पहले ऐसा सवाल कर चुके हैं। बट आई होप कि ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, और प्लीज अपना फीडबैक जो है वो अपने जो आपका अपना फीडबैक है वो प्लीज अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऑब्वियस सी बात है अगर आपको ज्यादा भी डिटेल्स में और इसमें जो टॉपिक्स के बात हुए बारे में बात करनी है तो फिर भाई आप हमारे रेगुलर चैनल्स पे, ऑब्वियस सी बात है हमारे चैनल्स में और भी वीडियोज आएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के पार्टिकुलर टॉपिक की वीडियोज और जल्दी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो भाई बात है क्या कि आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।
प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात और, अगर आप अपने फ्रेंड जितने आपके सर्कल में जितने फ्रेंड है जो CHSL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।